यू आर मोस्ट वेलकम इन गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको थॉमस हार्डी की बायोग्राफी बताने वाला हूँ। हार्डी जिसको आप जानते हैं कि एक पैसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं और इनको इनके एक काल्पनिक रीज़न वेसेक्स के लिए जाना जाता है। तो थॉमस हार्डी का बर्थ 2 जून 1840 में डॉरसेट शायर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था। याद रख लेना हार्डी का बर्थ कब हुआ था, 2 जून 1840 में हुआ था, ये डॉरसेट शायर साउथ वेस्ट इंग्लैंड में हुआ था। और ये जो पार्ट है दोस्तों, यही पार्ट ये माना जाता है, इसी पार्ट को जो हार्डी हैं वो वेसेक्स के रूप में अपने उपन्यासों में प्रस्तुत करते हैं। हार्डी एक गरीब परिवार को बिलोंग करते थे। इनके फादर जो थे एक मैसन थे और एक साधारण सा परिवार था, लेकिन इनके फादर जो थे उनका जो एक लगाव था म्यूज़िक की तरफ वो बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन आता है कि हार्डीज फादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, हार्डी के फादर किस चीज़ के ग्रेट लवर थे। आपका आंसर होगा म्यूज़िक के। हार्डी के फादर किस चीज़ को पसंद करते थे, म्यूज़िक को पसंद करते थे, म्यूज़िक के ग्रेट लवर थे। और इसके साथ साथ जो हार्डी के फादर थे बिल्कुल सिंपल लाइफ वाले व्यक्ति थे और उनको एम्बिशन मतलब बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं थे। और जो हार्डी की माँ थी वो भी एक एबल लेडी थी, वो भी एक जिसको कहते हैं कि कुशल होम मेकर होना उस प्रकार की थी, लेकिन इसके साथ साथ शी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। उनको किस चीज़ का शौक़ था, उनको रीडिंग का शौक़ था। और यही कारण था कि हार्डी को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती थी उनकी माँ मिसेस हार्डी जो थी, वो हार्डी को थॉमस हार्डी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। और इसके अलावा वो बहुत लविंग थी, सिंपैथेटिक थी टुवर्ड्स हार्डी एंड द अदर पीपल, हार्डी के प्रति भी और अन्य लोगों के प्रति भी। तो अपनी जो माँ और पिता दोनों की जो क्वालिटीज़ थी वो हार्डी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हार्डी जो था वो अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड था उनके लिए। और हार्डी की अब हम बात करेंगे अर्ली एजुकेशन की, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक के पॉइंट्स आप समझिए। थॉमस हार्डी का बर्थ कब और कहाँ हुआ, 2 जून 1840 में हुआ, डॉरसेट शायर इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। और ये जो डॉरसेट शायर है यही माना जाता है कि इसी को हार्डी ने वेसेक्स के रूप में प्रेजेंट किया है। इनके फादर जो थे वो एक मैसन थे, एक परिवार जो इनका था गरीब परिवार को बिलोंग करते थे। इनके फादर बिल्कुल भी एम्बिशियस मैन नहीं थे। इनकी माँ जो थी, इनकी माँ एक कल्चरल लेडी थी और इसके साथ साथ उनको रीडिंग का शौक़ था और इनके फादर को म्यूज़िक का शौक़ था। तो माता पिता की वो जो आदतें थीं वो कहीं ना कहीं हार्डी के अंदर भी आई थी। और हार्डी को स्टार्टिंग में जो अर्ली एजुकेशन होती है उसके लिए डॉरसेट शायर भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों, डॉरसेट शायर भेजा गया था। डॉरसेट शायर जिसको मैंने अभी बताया कि वेसेक्स और कैस्टर ब्रिज के नाम से जो प्लेस हार्डी ने अपने उपन्यास में दर्शाया है, ये वही डॉरसेट शायर है। और ये कहा जाता है कि जब हार्डी जाते थे तो हार्डी जो है ना, जब अपने स्कूल जाया करते थे तो ये अकेले जाते थे और घूमते फिरते से जाते थे, ऐसे ही लौटते थे। और इसी कारण से इस डॉरसेट शायर के जो नेटिव एलिमेंट्स थे उनसे वो बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे। यानी कि वेसेक्स जो था, वेसेक्स की हर चीज़ के बारे में ये जान चुके थे, वहाँ की कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ का लोगों का व्यवसाय, तौर तरीका, उनकी बोलचाल, सब कुछ हार्डी जो थे बहुत अच्छी तरह से इनसे जुड़े हुए थे। अब हार्डी जो थे दोस्तों वहाँ पर, फिर हार्डी ने इसके बाद में एक लोकल आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जॉन हिक्स। याद रखना हार्डी इनके कांटेक्ट में आए, किसके कांटेक्ट में आए, जॉन हिक्स के कांटेक्ट में आए थे हार्डी, जो कि एक लोकल जो थे एक आर्किटेक्ट के रूप में थे। और इसके साथ साथ दोस्तों हार्डी की मुलाकात इसी बीच में विलियम बैरेंस से भी हुई। विलियम बैरेंस जो थे वहाँ पर एक पॉइट थे इनके क्षेत्र में ही, तो इन दोनों से हार्डी ने कहीं ना कहीं एक अर्ली इंस्पिरेशन ली। तो ये क्वेश्चन बनता है हार्डी के अर्ली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे। तो दोस्तों आपका आंसर होगा जॉन हिक्स, हु वॉज एन आर्किटेक्ट, जॉन हिक्स जो कि एक आर्किटेक्ट थे, और विलियम बैरेंस। विलियम बैरेंस कौन थे, विलियम बैरेंस थे एक पॉइट। तो इनसे हार्डी जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और अपने वर्क के लिए, अपनी जो इंस्पिरेशन के लिए हार्डी जो हैं अपने आप को एक तरह से इनका आभारी मानते हैं कि इन्होंने उनको एक रास्ता दिखाया था। हार्डी को मतलब जो एक रास्ता मिला वो इनके अंडर में मिला, और आगे चल के जॉन हिक्स के अंडर में हार्डी ने आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस भी की थी।
तो याद रख लेना दोस्तों कि किसके, जॉन हिक्स के अंडर में जो हार्डी थे, थॉमस हार्डी थे, उन्होंने आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस भी इन्होंने की थी। और इसी बीच में जो हार्डी थे, हार्डी की मुलाकात हुई थी हॉरिस मॉल से। याद रखना दोस्तों, हॉरिस मॉल जो मैं नाम आपको ले रहा हूँ, आप एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें और हैंड टू हैंड जो है इनको नोट करते चले जाएं। हार्डी की मुलाकात किससे हुई? हॉरिस मॉल से हुई थी, और हॉरिस मॉल से इनकी एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, ठीक है ना। हॉरिस मॉल से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और इसके साथ साथ जो हॉरिस मॉल थे, अब ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हॉरिस मॉल जो थे वो कहाँ पढ़ते थे और कहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वीन कॉलेज कैम्ब्रिज में, क्वीन कॉलेज कैम्ब्रिज था, तो वहाँ पर हॉरिस मॉल से हार्डी की मुलाकात हुई थी। और दोनों को ही लिटरेचर का शौक था, मॉल को भी और हार्डी को भी, और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें जो थे वो डिस्कस करते थे। और हॉरिस मॉल ने भी हार्डी को इंस्पायर किया था और एनकरेज किया था टू बी एन ऑथर, कि वो एक ऑथर बन जाए। देखो, अर्ली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि जो अर्ली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी इनको, हार्डी को, वो जॉन हिक से मिली, ठीक है ना, और विलियम बैरनेस से मिली। इसके बाद जब हम बात करें इनको ऑथर बनने की, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी वो किससे मिली? वो हॉरिस मॉल से मिली थी, जो कि इनके फ्रेंड हुए, उनसे इनको अच्छी एक इंस्पिरेशन मिली थी। इसके बाद दोस्तों, जो हार्डी थे, हार्डी अपने मतलब आगे लाइफ को बढ़ाते रहे, और उन्होंने जो है कभी हिम्मत नहीं हारी, और वो जीवन के हर क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो समाज से जुड़ी हुई थीं, वो हार्डी को निराशा की तरफ लेकर जा रही थी। और वो बातें क्या थी दोस्तों जो हार्डी को निराशा की तरफ लेकर जा रही थी? वो उसमें से सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था हार्डी की लाइफ में, और जिसको हम बोलेंगे कि इनके दोस्त की मृत्यु हो जाना। हार्डी के दोस्त की मृत्यु ने हार्डी को एक तरह से तोड़ दिया था। अब ये कौन सा दोस्त था हार्डी का जिसकी डेथ हो गई थी? दोस्तों, मैंने अभी आपको नाम लिया था हॉरिस मॉल का। जो हॉरिस मॉल था, हॉरिस मॉल की डेथ हो गई थी, और किस वजह से डेथ हुई थी हॉरिस मॉल की? हॉरिस मॉल ने सुसाइड कर लिया था क्वीन कॉलेज कैम्ब्रिज में ही। हॉरिस मॉल ने क्या किया था? हॉरिस मॉल ने क्वीन कॉलेज कैम्ब्रिज में सुसाइड कर लिया था 1873 में। और यह कारण था कि हार्डी जो थे, हार्डी वो निराशा की तरफ में जाने लगे थे, और हार्डी के दोस्त की मृत्यु ने उनको एक तरह से तोड़ दिया था। बिल्कुल उस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि टेनिसन को अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु ने तोड़ दिया था, ऐसे ही हार्डी को हॉरिस मॉल की जो डेथ हुई थी, उस डेथ ने एक तरह से तोड़ दिया था। अब लेकिन जो हार्डी थे, उन्होंने अपने दोनों कार्यों को करना चालू रखा। एक तरफ तो राइटिंग में अभी इनको वो प्रोग्रेस नहीं मिल पाई थी, और आर्किटेक्ट के रूप में ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, और इसके साथ साथ हिक्स के साथ इनका एक आर्किटेक्ट के रूप में बहुत बड़ा नाम भी हो चुका था। और इसी बीच में दोस्तों, हार्डी की मुलाकात होती है एमा गिफॉर्ड से, ठीक है ना। एमा गिफॉर्ड से हार्डी की मुलाकात होती है, और जो कि 29 ईयर्स ओल्ड होती हैं, 29 साल की एमा से हार्डी की मुलाकात होती है। वो बहुत सुंदर थी, और उसको भी पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, और स्पेशली बुक रीडिंग का शौक होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में जब एमा और हार्डिंग की मुलाकात हुई थी, तो एमा ने हार्डी के किस नॉवल को लिखने में हेल्प की थी? तो आपका आंसर होगा डेस्परेट रेमेडीज़। क्या आंसर होगा? डेस्परेट रेमेडीज़ को लिखने में उसने पूरी तरह से हेल्प की थी। और इस उपन्यास ने इसकी जो हार्डी थी, हार्डी की जो रैंक थी, उसको बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। और इसी कारण ये कहा जाता है कि एमा के प्रति इनके जो सोच थे, इनकी जो सोच थी, इनके जो विचार थे, वो बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। और दूसरी बात कि इस तरह से एक साथ ये रहते थे कि जैसे कि मानो एक ट्रू कंपेनियन हो, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। दोनों की जो दोस्ती थी वो बढ़ती चली गई, और दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गई, और थॉमस हार्डी ने एमा से 1874 में शादी भी कर ली। कब शादी हुई इनकी? 1874 में शादी हुई दोस्तों, याद रख लेना। हार्डी ने एमा से शादी कब की थी? योर आंसर विल बी 1874, और यही ईयर था 1874 जिस ईयर इनका बहुत फेमस वर्क
फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी इसी ईयर इनका पब्लिश हुआ था। अब हार्डी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। इसके बाद 1891 में इनका टेस्ट ऑफ द डर्बर वाइल्स आया, जिससे इनको एक बड़ा स्थान मिला। और दूसरी बात ये, जो टेस्ट ऑफ द डर्बर वाइल्स था, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, और क्रिटिसाइज दोनों वो में किया गया, प्रोज एंड कॉन्स को लिया गया। और लोगों ने इस पर, जो हार्डी के ऊपर आरोप लगाए कि सेक्सुअल फ्रैंकनेस को बहुत ज़्यादा हार्डी ने दिखाया है अपने उपन्यास में, इसको इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हार्डी की प्रशंसा भी की गई, क्योंकि हार्डी ने जो था, हार्डी के दोनों बने, क्रिटिक्स भी बने और उसके एडमायरर भी बने, मतलब प्रशंसा भी की गई और आलोचना किस में, नेगेटिव ट्रेट्स में उसकी आलोचना भी की गई। और उसका कारण क्या था, सेक्सुअल फ्रैंकनेस था जो इसका कारण था। इसके बाद दोस्तों, जो हार्डी का नॉवल आया जूड द ऑब्स्क्यू, जो कि 1896 में आया, टेस्ट की तरह इसकी भी आलोचना की गई। अब हार्डी जब इतना क्रिटिसाइज होने लगे थे, तो थॉमस हार्डी को ये लगा कि अब मैं करूं क्या। तो थॉमस हार्डी ने एक बार ये सोच लिया था, अपनी हिम्मत हार गए थे, उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं कभी नहीं लिखूंगा, और उन्होंने जो नोवेल राइटिंग को एक तरह से फेयरवेल कर दिया। अब नोवेल राइटिंग को तो उन्होंने फेयरवेल कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कलम को नहीं छोड़ा, उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और उन्होंने अब क्या लिखना चालू किया दोस्तों, अब हार्डी आ गए पोएम के फील्ड में। वो बात अलग है कि पोइट्री के फील्ड में उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि वो एक नोवेल के फील्ड में उनको मिली, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने लिखा, हार्डी ने नेपोलियनिक थीम को लेकर लिखा, इसके अलावा उन्होंने डायनेस्ट्स को लेकर लिखा, तो और सोशलिज्म को लेकर लिखा, समाज की भावनाओं को लेकर लिखा अपनी कविताओं में, तो उससे हार्डी को एक अलग पहचान मिली। और जो आलोचक थे, आलोचकों का मुंह भी वो अच्छी तरह से बंद करवा पाए, और वहाँ पर हार्डी जो थे एक प्रोमिनेंट ऑथर के रूप में और प्रोमिनेंट पोइट के रूप में उभर कर आए। और फिर 1912 में दोस्तों, हार्डी की जो वाइफ थी एमा, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक छोटी सी बीमारी से वो ग्रसित हुई थी, लेकिन वो बीमारी जो थी वो सेवर होती चली गई, और हार्डी की जो वाइफ थी एमा, उनकी डेथ हो गई। अब हार्डी जो थे बिल्कुल निराश हो चुके थे, अकेले हो चुके थे, और अब वो करें तो करें क्या। अब उस समय क्या था दोस्तों, उनको अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, और बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पत्नी को वो याद करते थे। अब इसी बीच में हार्डी के पास जो लोग थे वो मिलने आते रहते थे, हार्डी का हालचाल पूछ लेते थे, और इसी बीच में इनकी मुलाकात किससे हुई, फ्लोरेंस से हुई। अब फ्लोरेंस, जो कि हार्डी से बहुत छोटी लेडी, उम्र की लेडी थी, उनसे हार्डी की मुलाकात हुई। वो हार्डी को असिस्ट किया करती थी, लेकिन उनका असिस्टमेंट जो था दोस्तों, 1914 की बात है, 1914 में उनका जो असिस्टमेंट था, ये उनकी मैरिज में कन्वर्ट हो गया। जो वो उनको असिस्ट करती थी, वो उनकी मैरिज में कन्वर्ट हो गई, और इससे क्या हुआ, उनकी जो शादी थी, फिर वो शादी उनकी हो गई। और उस शादी के बाद दोस्तों क्या था, आफ्टर द मैरिज, जो उनकी शादी हुई थी, जो लोग थे वहाँ के, सोसाइटी के जुड़े हुए, समाज के जुड़े हुए, वो उनके पास आते रहते थे और उनसे मुलाकात करते थे, उनसे बातें करते थे। इस प्रकार से लोग वहाँ पर आते थे, और हार्डी जो थे एक, जिसको कहते हैं पॉपुलर फिगर, उस रूप में हार्डी उभर कर आए थे। उस समय हार्डी को एक पॉपुलर पर्सनैलिटी के रूप में जाना गया था। और इसके बाद दोस्तों 1928 की बात है, 1928 में हार्डी की एट द एज ऑफ 88 की उम्र में हार्डी की डेथ हो गई थी। और हार्डी की मृत्यु के बारे में ये भी कहा जाता है, हार्डी की मृत्यु को लेकर ये कहा जाता है कि हार्डी को एक लोकल पेरिस चर्चयार्ड में, जो उनका हार्ट था, वहाँ पर बरी किया गया था, और इनकी जो एशेस थी उनको वेस्टमिंस्टर एबे में जो था बरीड किया गया था। इस प्रकार से हार्डी की लाइफ रही दोस्तों, हार्डी की बायोग्राफी, हार्डी का जीवन जो था वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब इनके अगर जो हम नॉवेल्स की बात करें, तो हार्डी के नॉवेल्स को तीन पार्ट में बांटा जाता है, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी, रोमांसेस ऑफ फैंटेसीज, और नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट। ये जो तीन पार्ट हैं, इनकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। फर्स्ट पार्ट में इनका डेस्परेट रेमेडीज आता है, जो कि 1871 में आया।
इसके अलावा लेडुसियन आया 1882 में आया, द हैंड ऑफ एथेलबर्ट आया 1876 में आया, और रोमेंस एंड फैंटेसीज की बात करें तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में, द टेम्पेट मेजर आया, टू ऑन ए टार आया, द वेल बिलव्ड आया, और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें नॉवल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट की अगर जो हम बात करते हैं तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द वुडलैंडर्स, टिस ऑफ द डबरवाइल्स एंड द लास्ट जूड द ऑब्सक्योर, ये आते हैं। तो थ्री फेजेस में, थ्री हेड्स में इनके करियर को बांटा गया है। तो इस प्रकार से नॉवल्स की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इनके नॉवल्स को, और इसके साथ साथ फिर आती हैं हार्डी की वेसेक्स पोएम्स जिनको हार्डी लिखते हैं और वेरियस थीम्स को लेकर लिखते हैं। तो ये हार्डी के बारे में था। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो मैंने ये आपको बताया हार्डी की लाइफ को लेकर, जो फैक्ट्स बताए उनको एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। एक बार मैं छोटा सा शॉर्ट सा ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह पक्का हो जाए। हार्डी का बर्थ कब हुआ था? 2 जून 1840 में हार्डी का बर्थ हुआ था, और डॉर्सेट शायर इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था, जिसको वेसेक्स और कैस्टरब्रिज के रूप में हम देखते हैं इनके वर्क में। इनके फादर जो थे वो एक मैसॉन थे, उनको म्यूज़िक का शौक था, और वो बिल्कुल एक सिंपल लाइफ वाले व्यक्ति थे, जरा से भी एम्बिशियस नहीं थे। इनकी जो मदर थी वो एक कल्चरल लेडी थी, और उनको रीडिंग का शौक था, और यही कारण था कि वो हार्डी को भी उनके बुक सेलेक्शन में मदद करती थी, उनके रीडिंग में मदद किया करती थी। इनको एजुकेशन के लिए डॉर्सेट शायर में भेजा गया था। जो स्टार्टिंग की जो इनकी एजुकेशन हुई थी वो डॉर्सेट शायर में हुई थी दोस्तों, और इसके इनको ग्रामर स्कूल भेजा गया था, और लेटर इन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी भी की थी। अब इसके बाद अगर जो हम इनके करियर के स्ट्रगल की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो एक लोकल आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जॉन हिक्स। जॉन हिक्स के ये संपर्क में आए थे, और इसके साथ साथ विलियम बैंडिस जो कि पॉइट थे, और जॉन हिक्स जो कि एक आर्किटेक्ट थे, इनके संपर्क में हार्डी आए थे, और इन्होंने जॉन हिक्स के अंडर में आर्किटेक्ट की प्रैक्टिसिंग भी की थी। और विलियम बैरेंस ने कहीं ना कहीं इनको प्रभावित किया था लेख को लिखने के लिए, मतलब कुछ राइटिंग के फील्ड में कहीं ना कहीं आने के लिए उनको इंस्पायर किया गया था। अब इसके साथ दोस्तों जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इनकी जो मुलाकात थी, इनकी मुलाकात हॉरिस मॉल से हुई। हॉरिस मॉल जो थे जिनको राइटिंग का शौक था, रीडिंग का शौक था, इनसे बहुत अच्छी इनकी दोस्ती हो गई। और लेकिन जो हार्डी की ये जो इनकी दोस्ती थी ये लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि हॉरिस ने एक दिन क्या किया था, हॉरिस ने एक दिन सुसाइड कर लिया, और हार्डी को कहीं ना कहीं ये चीज़ निराशा में ले गई। हार्डी बड़े दुखी हुए उसकी मृत्यु को लेकर, और दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया टेनिसन अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु को लेकर हुए थे, तो हार्डी भी उसी प्रकार से दुखी हुए थे उनकी मृत्यु को लेकर। इसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर एक नॉर्मल लाइफ हार्डी लीड कर रहे थे, थोड़ा बहुत ही राइटिंग का वर्क भी इस समय इन्होंने मतलब स्टार्ट करना चालू कर दिया था, अपने वर्क्स ये लिख रहे थे। और इनकी मुलाकात फिर होती है एक 29 साल की जो एक लड़की है जिसका नाम है एमा। एमा से इनकी मुलाकात होती है, एमा जिनको रीडिंग का शौक था, एमा ने इनको असिस्ट किया था, और किस चीज़ में असिस्ट किया था, डेस्परेट रेमेडीज जो इनका नॉवल था उसको लिखने में असिस्ट किया था। और 1871 में जैसे कि आप जानते हैं ये नॉवल पब्लिश भी हुआ था, और नॉवल को बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। इस सफलता की वजह से, और दूसरा उससे एक अटैचमेंट भी हो गया था इनको एमा से, तो उस अटैचमेंट की वजह से दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। हार्डी और एमा जो थे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगे थे, और 1874 में हार्डी ने एमा से शादी कर ली थी। कब शादी कर ली थी? 1874 में हार्डी ने एमा से शादी कर ली। फिर इनका फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड आया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। इसके बाद टिस ऑफ द डबरवाइल्स आया जिसको इनको आलोचना का सामना करना पड़ा सेक्सुअल फ्रैंकनेस को लेकर। इसके बाद जूड द ऑब्सक्यूर पर भी क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा, और फिर हार्डी ने सोच लिया कि भाई अब मुझे लिखना नहीं है, और किस फील्ड में नहीं निकला है, नॉवल के फील्ड में नहीं लिखना है। लेकिन हार्डी ने अपनी कलम को नहीं रोका, और उन्होंने जो था जो पोएम्स के फील्ड में अपना हाथ आजमाया। वो पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली लेकिन एक अच्छा खासा नाम और क्रिटिक्स का मुंह जरूर बंद कर पाए जो हार्डी थे। इसके बाद दोस्तों
1912 में इनकी जो वाइफ थी एमा, उनकी डेथ हो गई थी, और फिर इसके बाद इनकी जो मुलाकात थी वो फ्लोरेंस से हुई। इस बीच में हार्डी बहुत टूट चुके थे, बहुत दुखी रहते थे, अपने घर पर रहते थे और इनसे लोग मिलने आते जाते रहते थे। मतलब इनकी जब फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई थी उससे लेकर इनकी मृत्यु तक का समय जो था ना, वो विजिटर्स के लिए मान लीजिए कि जो विजिटर्स थे जो इनको जानते थे या फिर जानते भी नहीं थे, अपना जो राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहते थे वो लोग इनसे मुलाकात करते थे, और या फिर जो जर्नलिज्म थे वो अक्सर इनसे लेख के लिए मिलते रहते थे। इसके बाद इनकी फ्लोरेंस से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लोरेंस से मुलाकात हुई जो कि इनसे काफ़ी यंग थी, और 1914 में इन्होंने अब उससे शादी कर ली थी, और वो हार्डी की उन्होंने बहुत अच्छी तरह देखभाल की थी, दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम इन दोनों के बीच में देखा गया। और इसके बाद दोस्तों जो ग्रेट वॉर हुआ था 1940 में, हार्डी जो थे उससे पूरी तरह से एक तरह से टूट चुके थे, और इसी बीच में मैंने जैसे कि बताया कि अब बहुत उदासी उनके जीवन में आ चुकी थी, बस कुछ लोगों से मिलना जुलना वो रहता था, लोग उनके घर पर विजिट करने आते थे, और इस तरह से जो हार्डी की लाइफ थी उसका एंड हो गया 1928 में एट द एज ऑफ 88। और हार्डी के बारे में ये कहा जाता है कि हार्डी का जो हार्ट था उनको लोकल पैरिश चर्चयार्ड में बरीड किया गया, और उनकी जो एशेस थी उनको होली ट्रिनिटी चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में, ठीक है ना, वेस्टमिंस्टर एबे में जो था वहाँ पर उनको, ये मैं सॉरी गलत बोल गया दोस्तों, होली ट्रिनिटी नहीं, वेस्टमिंस्टर एबे में उनकी जो एशेस थी उनको बरीड किया गया था। ये हार्डी की लाइफ के बारे में रहा। हार्डी के नॉवेल्स की बात करें तो उनको 3 फेजेस में बांटा गया। सबसे पहले आते हैं नॉवेल्स ऑफ इंजेन्यूनिटी, इसमें डेस्परेट रेमेडीज, लेडोसियन, द हैंड ऑफ एथिलब्रेटा, ये वर्क्स आते हैं इनके। फिर आते हैं रोमांस एंड फैंटेसीज, जिसमें अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन ए टार, द वेल बिलव्ड आते हैं। इसके बाद दोस्तों नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द वुडलैंडर, टिस ऑफ द डर्बरवाइल्स, और जूड द ऑब्स्क्यूर हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हार्डी की लाइफ, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझाया हुआ आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।